नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलम जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं किडनी सिस्ट के बारे में। सिस्ट एक पानी का छाला होता है, जिसको कि बॉयल भी कहते हैं, जैसे हमारे स्किन के ऊपर होता है या पानी का जैसे गुब्बारा होता है, उस टाइप में हमारे गुर्दे के ऊपर पानी के फफोले बन जाते हैं। इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज भी कहा जाता है, PCKD। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में होता है जब आपकी काफ़ी सारी सिस्ट आपकी किडनी में बन जाती हैं, मतलब मल्टीपल सिस्ट आपके गुर्दे में जब बन जाती हैं तो उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज कहा जाता है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो नॉर्मल, जैसे हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें उनको आ जाता है कि उनकी किडनी के ऊपर सिस्ट है। सिस्ट एक होती है या दो, और सिस्ट का साइज जो है छोटा होता है। तो अगर पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में किडनी सिस्ट पता चलती है तो पेशेंट घबरा जाता है। तो जो किडनी में सिस्ट एक या दो होती है, सिंपल छोटी सिस्ट रहती है, वो आपको पानी, जैसे आप कभी इनटेक कम करते हो या थोड़ा डाइट में चेंज होता है, कोई लाइफस्टाइल में चेंज होता है, तो उसकी वजह से हो जाती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। इसके लिए आपको दोबारा से रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, या तो तीसरे महीने या छठे महीने आप उसको करवा लो। अगर आपको लगता है कि अभी किडनी का साइज़ पहले से बड़ा हुआ है, पहले जो साइज़ था उससे थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ है, या फिर सिस्ट पहले से ज़्यादा है, पहले दो सिस्ट थे, अब आपने करवा रहे हो तीन है या चार है, तो आपको घबराने की बात है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सिस्ट का साइज़ पहले से ज़्यादा नहीं हुआ है या फिर उतना ही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसमें जो है आपको सिस्ट मल्टीपल होते हैं। इसमें आपको जो सिस्ट होते हैं दोनों किडनीज पे तो होते ही हैं, उसके अलावा आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी सिस्ट बनने की टेंडेंसी होती है, जैसे कि आपके लीवर पर, पैनक्रियाज पर, फीमेल्स में ओवरीज में सिस्ट हो जाता है, यूट्रस में हो जाता है। मतलब ये एक जेनेटिक कंडीशन है, जैसे आपके पूर्वजों में, जैसे पीढ़ी में थी ये प्रॉब्लम, इस वजह से आपके जैसे DNA में ऐसे सिस्टम होता है कि आपकी जो बॉडी है वो सिस्ट बनाती है, उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है आपकी बॉडी की, क्योंकि ये पूर्वजों की वजह से, जैसे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई रोग होता है उस तरह से होता है। इसमें भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में भी दो तरह का होता है, जैसे एक तो आपके पेरेंट्स में है, जैसे आपके अपने मम्मी पापा हैं उनमें प्रॉब्लम है तो आप में होती है ये प्रॉब्लम, और दूसरा होता है कि आपके पूर्वज, मतलब आपके मम्मी पापा में नहीं है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है किसी को, तब ये प्रॉब्लम आपको होती है। इसमें आपके जैसे सिंगल सिस्ट होती है, उसमें आपको एक सिस्ट होगी, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन पे आपका एक छाला हो गया तो उसकी क्लीनिंग आप बड़े इजीली कर लोगे, लेकिन अगर बहुत सारे छाले हैं तो आप उसकी सफाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ऐसे जब किडनी में बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं तो उसकी वजह से जो किडनी है उसके काम पर असर आता है धीरे धीरे करके, और ये जो सिस्ट है इसका साइज़ धीरे धीरे करके बड़ा होता है। अगर आपकी किडनी ख़राब होती है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिसीज है, उसमें आपने देखा होगा जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो आपका जो गुर्दा है वो श्रिंक होगा, मतलब जो साइज़ है वो छोटा आएगा, लेकिन इसमें अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो आपका किडनी का साइज़ बड़ा हुआ आता है। जैसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनको मल्टीपल सिस्ट होते हैं किडनी में, उनका साइज़ 25 सेंटीमीटर तक भी चला जाता है। जैसे नॉर्मल जो किडनी का साइज़ होता है 10 या 11 सेंटीमीटर होता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज में साइज़ कम हो जाएगा, किडनी आपकी 7 या 8 सेंटीमीटर की रह जाएगी, लेकिन पॉलीसिस्टिक में आपकी किडनी का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऊपर बहुत सारे पानी के फफोले बन जाते हैं। अगर आपको सिस्ट है तो इसमें क्या लक्षण होता है? तो वैसे अगर आपको सिस्ट होती है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, सिर्फ एक दर्द करती है। सिस्ट की वजह से आपको पेन होता है, या फिर जिन लोगों को BP बहुत ज़्यादा होता है या कई बार BP ज़्यादा होने की वजह से सिस्ट जो है वो फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। इसलिए कई बार सिस्ट जब फटती है तो आपको पेशाब में खून या फिर मतलब पेशाब में जलन भी होती है उसकी वजह से।
जब ये सिस्ट फफोले लंबे समय तक आपके किडनी के ऊपर रहेंगे तो किडनी के काम पर असर डालेंगे। किडनी जो है धीरे धीरे करके आपका काम करना कम कर देती है। अगर आप अपना किडनी टेस्ट करवाते हैं यूरिक क्रिएटिनिन, तो ये आपके बढ़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके, ज़्यादा आते हैं। तो इसका कोई फिक्स इलाज नहीं है कि 101% 100% आपके जो सिस्ट हैं वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इतना होता है कि अगर मान लो आपको आज सिस्ट हैं, अगर आपकी किडनी 5 साल में ख़राब होनी है तो मेडिसिन से आपकी किडनी 15 या 20 साल में ख़राब होगी। या फिर ये हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर आपको डायलिसिस की नौबत आने वाली है तो आपकी वो डायलिसिस वाली जो है प्रॉब्लम वो आपकी नहीं आएगी। मेडिसिन से आप जो है इसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। जैसे आपकी सिस्ट जो आपकी ग्रोथ कर रही है, मेडिसिन से या अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज योगा से आप इसको बढ़ने से रोक सकते हैं सिस्ट को। ये आप इसके लिए आप सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं।